नमस्कार दोस्तों, हिंदी दोस्त डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त अरित आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक नए ज्ञान के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक फॉन्ट्स से रिलेटेड है। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि आप किस तरह से आसानी से गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट से डिफरेंट स्टाइल के फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने विंडोज़ या अपने कंप्यूटर में आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, फॉन्ट्स बेसिकली टेक्स्ट का स्टाइल है। आप जब भी कुछ लिखते हैं इंटरनेट पे या किसी डॉक्यूमेंट पे, तो आप वह किस फॉन्ट में लिखते हैं या स्टाइल में लिखते हैं यह आपको बताना पड़ता है। और दोस्तों, फॉन्ट्स की ज़रूरत किस लिए पड़ी, यह देखिए, मैंने हिंदी दोस्त डॉट कॉम को बड़े सुंदर तरीके से लिखा है, यह मैं फॉन्ट्स की मदद से ही कर पाया। आप अगर चाहे तो इसे सिंपल तरीके से भी लिख सकते थे, जैसे कि मैं अब लिख रहा हूँ, पर यह दिखने में उतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए फॉन्ट का हमारे वेबसाइट पर या हमारे लिखने के ढंग पर या देखने के ढंग पर बहुत फर्क देता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आप गूगल फॉन्ट्स या गूगल वेबसाइट, गूगल के फॉन्ट्स लाइब्रेरी से किस तरह से किसी फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए पहले आप गूगल सर्च पर जाकर गूगल फॉन्ट्स टाइप करके सर्च मारिए। इसके बाद सबसे पहला जो लिंक आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके पास गूगल फॉन्ट्स का पूरा नया वेबसाइट खुल गया है। यह पुराना वेबसाइट है, एक न्यू वर्जन ऑफ गूगल फॉन्ट का वेबसाइट भी अवेलेबल है। मैं चलिए वहां आपको ले जाता हूं। यह देखिए, यहां पर आपको बहुत से फॉन्ट्स दिख रहे होंगे। आप अगर चाहे तो किसी फॉन्ट को यहां से सर्च भी कर सकते हैं या फॉन्ट्स के तरीकों के या कैटेगरीज के तौर पर भी इन्हें चूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक फॉन्ट डाउनलोड करके दिखाता हूं और उसे इंस्टॉल करके दिखाता हूं। चलिए, मैंने इन सबको अनचेक कर दिया, हैंडराइटिंग का एक फॉन्ट ले लिया मैंने। आप यहां पर चाहे से सॉर्टिंग भी कर सकते हैं कि ट्रेंडिंग जो ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, नंबर ऑफ स्टाइल, थिकनेस वगैरह वगैरह से अलग अलग फिल्टर्स आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर हैंडराइटिंग वाले फिल्टर पर क्लिक किया है, कैटेगरी पर क्लिक किया है। अब देखिए, मुझे यह वाला फॉन्ट पसंद आ रहा है। इसका नाम यहाँ पर आपको दिख रहा है, पैसिफिको। चलिए मैं देख लेता हूँ कि मेरे फॉन्ट्स लाइब्रेरी में पैसिफिको है तो नहीं। मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोला है, वहाँ पर जाकर मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि पैसिफिको नाम से कोई फॉन्ट है तो नहीं मेरे पास। देखिए, यहाँ पर पैसिफिको नाम से कोई फॉन्ट मेरे पास है नहीं। यह फॉन्ट मुझे दिखने में अच्छा लग रहा है और इसे मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ दाहिने इस फॉन्ट पर आप जाकर इसकी साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्लस का साइन दिख रहा होगा, सिलेक्ट दिस फॉन्ट, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर एक आपके पास पॉपअप खुला हुआ है, वन फैमिली सिलेक्टेड। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा कि आपने कौन सा फॉन्ट सिलेक्ट किया है। आप अगर चाहे तो इसे इस फॉर्म फॉन्ट को अपने HTML डॉक्यूमेंट्स में भी इस तरह के लिंक से एम्बेड कर सकते हैं। इसको चाहे तो कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। तो मेरा पैसिफिको फॉन्ट सिलेक्ट हो गया है, अब मैं इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। दाहिने साइड में देखिए, यहाँ पर आपको एक डाउनलोड दिस सिलेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो गया और फॉन्ट डाउनलोड भी हो गया है। देखिए, यह 30 KB का है साइज, जो कि अभी हमें zip फाइल में मिला है। चलिए मैं zip फाइल को शो करता हूँ आपको,
कहाँ जहाँ स्टोर है, कैसिफिको नाम से ये स्टोर है, इसको मैं चलिए डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ। डेस्कटॉप पे जाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसे यहाँ एक्सट्रैक्ट करता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप विनरार का यूज कर सकते हैं जो कि फ्री है। देखिए इस अंदर क्या है सब दिखा रहा है आपको। यहाँ एक्सट्रैक्ट करता हूँ मैं, फाइल को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। देखिए ये मेरा पैसिफिको फाइल फोल्डर खुल गया है। अब यहाँ पर मुझे ये पैसिफिको फाइल का एक पूरा लिस्ट दिख रहा है। अब यहाँ पर आप इसको इंस्टॉल पर क्लिक करिए। इंस्टॉल पर क्लिक करते साथ ही देखिए आपका फॉन्ट इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पर इंस्टॉल जो हाइलाइटेड था वो चले गया है। चलिए अब मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा फोन सचमुच में इंस्टॉल हुआ है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर जाकर मैं पैसिफिको को देखता हूँ। ये देखिए यहाँ पर पैसिफिको अब आ गया है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं आपको पैसिफिको फॉन्ट पे लिख के दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से आपको यह फॉन्ट दिखेगा। यह देखिए मेरा नया फॉन्ट तैयार हो गया है। मेरे फॉन्ट लाइब्रेरी में यह फॉन्ट अब ऐड हो गया है। आप अगर चाहे तो इस फॉन्ट को अपने फॉन्ट फोल्डर में भी जाकर डाल सकते हैं। उसके लिए आप स्टार्ट पे क्लिक करिए, सर्च में फॉन्ट्स लिखिए। देखिए फॉन्ट्स का फोल्डर खुल गया है। इसके बाद यहाँ पर आप इस स्पेसिफिको जो TFF फाइल था उसको सिलेक्ट करके पेस्ट कर दीजिए, आपका फॉन्ट तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से किसी भी गूगल फॉन्ट्स या अलग अलग फॉन्ट्स जो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे उनका यूज़ आप अपने डेली कार्यों में कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा सिर्फ आपको उस फॉन्ट को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह नया ज्ञान दूसरों तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।